हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड डॉट राकेश ब्लॉग्स। कैसे हो आप लोग सब? हम ठीक है, मगर आदि ठीक नहीं है, एकदम खाना नहीं खा रहा। तो आज हम लोग डिसीशन लिए कि हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास। तो हस्बैंड कबूतर को खाना दे रहे हैं और हम पूरा रेडी हो गए, हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं और आदि को भी रेडी करवा दिए हैं। और हम भी सुबह सुबह आज नहा लिए, फ्रेश हो गए था पूरा, मतलब धो लिए सुबह सुबह और अभी चल रहे डॉक्टर के पास। तो हस्बैंड ना नाम लिखा के आ गए थे भाई, एकदम 6 बजे, तो जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग का नंबर है 1। तो ये देखिए, हम लोग पहुंच भी गए हैं डॉक्टर के पास और यहाँ देखिए अभी तक खोले ही नहीं, क्योंकि हम लोग को ना पहले से टाइम नहीं पता था। तो सोचे थे कि 7:30 बजे से, मगर अंदर में जाकर देखे है, प्लेकार्ड लगा हुआ है कि 8 बजे से डॉक्टर बैठेगा। तो गाइस, हम लोग अंदर में आके बैठे हैं, अब डॉक्टर अभी तक नहीं आए हैं पर आ जाएंगे गाइस। 1 नंबर तो है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, 8:30 बजे तक हो जाएगा गाइस। तो अभी एकदम क्या बोला डॉक्टर, नहीं बोला, सब घर जाके बात करते हैं गाइस। तो आदि के लिए ना थोड़ा ज़्यादा ही परेशान है, ये कुछ नहीं खा रहा है। तो चलते हैं घर, डॉक्टर दिखाना हो जाएगा तो बात करते हैं। घर पहुंच गए और आदि भी वहाँ पे बोल रहा था भूखू भूखू और खाता कुछ नहीं है, फिर भी डॉक्टर को दिखा। ये देखिए डॉक्टर का स्लीप है, यहाँ दिखा रहा है, देखिए आदि भी भगत, 10 किलो 2 किलो घट गया है, यही सब दवाई लिखा है। और हाँ, दवाई तो सब खरीद भी लिए है, दिखा रहे आप लोग को। ये देखिए आई मंत्र नहीं, ये वाला, ये सब लिखा है। 3 ठो दवाई है, 1 2 3, 3 दवाई दिया है, भूख लगने का और कीड़ा का दवाई और एक मतलब हजम होने का दवाई, ऐसा कुछ दिया है। और प्रोटीन पाउडर लेने बोला है, मगर वो वाला ना वहाँ पे देखे थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दाम बोल रहा था, इसीलिए नहीं लिए। हस्बैंड बोले हम ला देंगे, तो ठीक है। तो अभी हम लोग आते समय इडली और बड़ा खाए, और आदि अभी पढ़ाई कर रहा है और इसके बाद अभी आदि को खिलाते हैं। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं बाद में। तो गाइस देखिए, इधर चाय रखा है, पैक कर दिए है, रोटी है, मेवों का सब्जी है गाइस। तो गाइस, हस्बैंड ऑफिस निकल गए और बारिश ना एक बार हो रहा है, एक बार छूट रहा है, और कितना दिन के बाद ना काजल लगाए हैं और हल्का सा लिपस्टिक, सुबह सुबह ना नहा लिए थे तो आज बाल में शैम्पू करके सब कुछ नहा लिए थे। और आदि को ना हॉर्लिक्स लेके आए थे, छोटा वाला जो पाउच था ना, उसमें ना आधा घोल करके दूध के साथ उसको दिए थे। तो वो ना आपको दिखा रहे, ये वाला जो बॉटल है ना, ये वाला क्या बोलते हैं इसको, मिल्क बॉटल क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं पता, क्योंकि ना बचपन से ना कभी भी आदि को हम नहीं खिलाए पिलाए कुछ भी नहीं, क्योंकि इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ा। और BM ही लेता था मेरे से, बहुत ज़्यादा था मेरा BM, तो इसीलिए वो उसको 1 साल 2 महीने तक कभी कुछ नहीं लेना पड़ा। और उसके बाद हम खाना चालू करवाए उसको, फिर भी नहीं खाता था और फिर भी ठीक था 2 साल तक, अभी थोड़ा सा फिर ख़राब हो गया था, इसलिए डॉक्टर के पास लेके गए थे। तो इतना दिन के बाद मतलब लेके गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बोला ठीक है, दवाई दिए हैं, देखिए क्या होता है। तो इसी में इतना भर के दिए थे उसको, वो दूध के साथ हॉर्लिक्स मिला के, तो आधा खाए आधा छोड़ दिया, और खाली वो BM लेना चाहता है। और हाँ, डॉक्टर बोल दिया एकदम BM छुड़वा दीजिए, तभी बच्चा मतलब शरीर लगेगा, नहीं तो बतला ही होगा, यही बोला, वेट कितना घट गया है। तो गाइस, अब देखते हैं खिला के दवाई सब, भगवान करे इसको भूख बहुत लगे, बहुत सारा खाना खाए, बहुत दिन से नहीं खा रहा, बहुत दिन से 8-10 दिन हो गया है, थोड़ा सा चावल खाया, इतना सा 2 कोर बस वो ख़त्म, उसके बाद फिर मूढ़ी इतना सा ख़त्म, सूजी तो खाता ही नहीं है, क्या खिलाए तब। तो अभी सुबह ना हस्बैंड को दिए रोटी और नेनुआ का सब्जी, सुबह बना के गए थे 5:30 बजे, तो मम्मी ने कल रात में सब काट कूट के रख दी थी, इसीलिए सुविधा हुई है। सुबह हम लोग चाय और बिस्किट खा के गए थे, आ करके तब को बोले ये खाए थे, बोलते इडली और बड़ा,
कैसे ना भूख लग गया है, मेरे को भूख लग रहा है इतना, उसको तो भूख लगता ही नहीं है। इसको भूख लगना नहीं चाहिए, उसको भूख लग रहा है। जिसको भूख लगना चाहिए उसको नहीं भूख लग रहा है। क्या जमाना आ गया। तो सुबह सुबह फ्रेश हो गए ना, अभी नींद आ रहा है। तो अभी जाते हैं, आदि को नहला देते हैं, थोड़ा सा बहुत सारा कपड़ा है उसको डुबा देते हैं, जितना सारा होगा धोएंगे नहीं तो छोड़ देंगे। और चावल बनाते हैं, थोड़ा सा नीलवा का सब्जी बचा है। सुबह सुबह उठ के ना सब नाखून को ना आउट कर दिया, देखिए क्योंकि ना सावन चढ़ गया ना, पहले सब मछली अंडा खाए थे, सब अंडा को हटा दिया। तो शाम में ना हस्बैंड बोले कि हरा चूड़ी ला देंगे, तो पहनेंगे अभी, इसलिए लाल चूड़ी थोड़ा पहने हैं। तो चलते हैं, सब काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बन रहा है चावल, यहाँ पे दाल और मसूर का दाल बन रहा है, और उसमें ना आलू दे दिए है, आलू चोखा बनेगा। और यहाँ है, यहाँ पे नेनुआ का सब्जी थोड़ा सा है, और हस्बैंड को तो यहाँ पे रोटी गूंद के रखे थे ना, आटा गूंद के रखे थे, वही है, अभी तक बनाए नहीं है क्योंकि हम लोग इडली खा के आ गए थे ना इसीलिए। तो गाइस देखो एक जन को कितना अच्छे से पढ़ रहा है वो। क्या है बेटा ओला? मक्की, मक्की कहाँ है बाबा? मक्की, ये गुड जॉब। ए बेटा ये कहाँ है सोना? पिक कहाँ है? पिगी, पिगी पिक कहाँ है? पिक बताओ सोना बाबा मेरा। काऊ कहाँ है? काऊ, काऊ, काऊ कहाँ है? काऊ, काऊ कहाँ है बाबा? अभी सोए हैं, मतलब नींद से नहीं, ऐसे लेटे हैं। आधे भी सोया है यहाँ, और मम्मी दोनों सोए हैं। और अभी मतलब नींद तो बहुत जोर लग रहा है, क्योंकि ना सुबह जल्दी उठे थे ना, तो इसीलिए आँख से पानी पिता। तो इसीलिए ना नींद बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो थोड़ा सा सो जाते हैं, फिर वीडियो भी थोड़ा बनाना है तो देखते हैं। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, क्या कर रहे हो आप लोग सब? हम तो अभी देखिए खीरा मूढ़ी और मिक्सचर खा रहे हैं मिर्चा के साथ, तो बहुत जोर का भूख लगा था इसीलिए अभी टीवी देख रहे हैं, और आदि को थोड़ा थोड़ा करके खिला रहे हैं, और टीवी देख रहे हैं और मूढ़ी खा रहे हैं। तो यही है, बंगाली सीरियल देख रहे हैं एक ठो। तो मम्मी भी खा रही है, नाश्ता कर रही है उधर, तो हम लोग भी सब एंजॉय कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। तो अभी शाम का समय, कोई काम नहीं है, हस्बैंड अभी तक आए नहीं है, आएंगे तो फिर उनको भी नाश्ता बना के देंगे। तो गाइस सुबह का ना रोटी था, ये देखिए सुबह का एक रोटी जल गया था, और वही आटा था, तो हम सोचे कि अभी वही वाला आटा का रोटी बनाएंगे। एकदम सुबह बनाए थे ना, आटा गूंथे थे 7:30 बजे, 7:30 बजे नहीं, 6:30 बजे, तो वही वाला आटा, तो पूरी बना दिए हम। तो हस्बैंड अभी मतलब आए हैं, कितना बजे, वही 7:30 बजे के आसपास आए हैं, तो आ करके मैगी बना दिए, मैगी खाए, तो फिर बोलते हैं कुछ नहीं खाएंगे। आधा था अनारस, तो वही दिए, तो अभी उनको बोल रहे कुछ नहीं खाएंगे, तो पता नहीं पूरी तो बना दिए, जो भी खाओ खाओ, नहीं तो भुजिया बना देंगे पूरी के लिए, आलू पूरी और भुजिया मम्मी खा रही है, उधर चीनी और पूरी। और आदि कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा मैगी खाया था बस, अभी रात को देखते हैं दूध सूजी बना के देंगे उसको। तो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइए कमेंट करके। तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखाए, शाम से तंद्र से बात नहीं कर रहे थे, तो सोचे कि क्या दिखाएंगे, ऐसे टीवी भी चल रहा था और कुछ नहीं, बस ऐसे आदि खेल रहा थे का चश्मा, पापा का चश्मा पटक पटक के तोड़ तोड़ के खेल रहा है, और देखिए। तो बस आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। और जिन लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और लाइक कमेंट करना ना भूले गाइस। तो टेक केयर एंड सी यू, बाय बाय।